दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई अकाउंट है और वो अपना CIF नंबर भूल चुका है या फिर CIF नंबर का पता नहीं है तो किस प्रकार से CIF नंबर पता कर सकते हैं। आप सभी लोग इस बात को जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में CIF नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अकाउंट ओपन करा लेते हैं उसके बाद आप कोई भी काम कराने के लिए जाते हैं ब्रांच में तो आपको CIF नंबर का आवश्यकता पड़ता है। इसके अलावा नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग यूज करने के लिए भी आपके पास CIF नंबर होना चाहिए। CIF नंबर का फुल फॉर्म होता है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फाइल। तो अगर आप भी अपना SBI का CIF नंबर भूल चुके हैं या आप पहली बार पता करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनके माध्यम से आप घर बैठे बैठे ही अपना CIF नंबर पता कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस SBI में CIF नंबर पता करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, हम एक एक करके सबको देख लेते हैं। सबसे पहला तरीका है कि अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पासबुक है अपने अकाउंट का तो आप अपनी पासबुक को ओपन करिएगा, पहले पेज पर ही आपके लिए आपके अकाउंट की कुछ डिटेल मिलेगी। उस डिटेल्स में आप देखेंगे तो आपको अपने SBI अकाउंट का CIF नंबर मिल जाएगा। ये CIF नंबर हर कस्टमर का अलग अलग रहता है तो आपको अपना जो CIF नंबर है ये पासबुक में देख लेना है। आपका कोई सा भी अकाउंट होगा तो आपको बस अपनी पासबुक देखना है, पासबुक में आपका CIF नंबर आपको जरूर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने SBI का चेकबुक मंगाया है तो आप देखेंगे चेकबुक के होम पेज पर यानी कि पहले पेज पर आपके लिए कुछ डिटेल्स मिलती है, आपका एड्रेस, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, उसी में आपको CIF नंबर मिल सकता है। अगर आपके पास पासबुक नहीं है या आपने नया नया अकाउंट ओपन कराया है और आप CIF नंबर पता करना चाहते हैं तो इसके लिए दूसरा तरीका ये है कि आपका अगर स्टेटमेंट जनरेट हो गया है, आजकल आपको पता है कि स्टेटमेंट हमारे लिए ऑनलाइन मेल आईडी पर मिल जाता है, तो आपको अपनी जो मेल आईडी है वो ओपन करना है जो बैंक से रजिस्टर्ड है। इसके बाद यहाँ पर सर्च करना है SBI बैंक स्टेटमेंट, तो आपके सामने SBI का जो स्टेटमेंट है आपके अकाउंट का वो आ जाएगा। यहाँ पर एक PDF रहेगी, इस PDF को आप ओपन करेंगे। PDF के अंदर आप देखेंगे कि आपको पूरा ट्रांजेक्शन आपको मिलेगा डिटेल्स में, कौन सा ट्रांजेक्शन आपने कहाँ किया है। लेकिन ऊपर देखेंगे तो आपको आपका जो एड्रेस है वो मिलेगा, अकाउंट नंबर, IFSC कोड मिलेगा और वहीं पर आप देखेंगे तो आपका CIF नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो स्टेटमेंट में भी आपका CIF नंबर रहता है, वहां से भी आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप SBI का नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग में भी आपको आपका CIF नंबर मिल जाएगा, जिसके लिए आपको आपका नेट बैंकिंग लॉगिन करना है। इसके बाद आपको वहां से अपना जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड करना है और स्टेटमेंट में आप देखेंगे तो आपका CIF नंबर आपको मिलेगा। इसके अलावा आप SBI योनो एप्लीकेशन के माध्यम से भी अपना CIF नंबर प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर से SBI योनो नाम से एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करके इसमें अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर आप SBI के कस्टमर हैं तो आप इस ऐप में अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन कर सकते हैं। बस आपका जनधन वाला खाता नहीं होना चाहिए क्योंकि उस खाते पर ये एप्लीकेशन काम नहीं करता है, क्योंकि जनधन अकाउंट को आप SBI योनो में लॉगिन नहीं कर सकते हैं। SBI योनो एप्लीकेशन के अंदर आप जाएंगे और इसके अंदर भी आपको स्टेटमेंट डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। स्टेटमेंट आप जैसे डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपका जो CIF नंबर है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप SBI योनो एप्लीकेशन से अपना जो मिनी पासबुक है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके अंदर भी आपको आपका CIF नंबर मिल जाएगा। अभी फिलहाल हम अपने पर्सनल रीजन से SBI बैंक को यूज नहीं करते हैं, कोई भी हमारा अकाउंट नहीं है, पहले हमारे अकाउंट थे SBI में, तो कई बार हमने इन तरीकों से अपना CIF नंबर निकाला है। तो आपको हम जो जानकारी दे रहे हैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर दे रहे हैं, ये सारी ट्रिक आपको काम करेगी, आप इन सारे तरीकों से अपना CIF नंबर निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन और है, अगर आप CIF नंबर निकालना चाहते हैं और आप ऑनलाइन नहीं निकाल पा रहे हैं किसी माध्यम से, तो आप गूगल पर सर्च करिएगा SBI कस्टमर केयर नंबर, या आपको SBI की वेबसाइट मिलेगी। इस वेबसाइट के अंदर आपको कई सारे SBI के हेल्पलाइन नंबर मिलेंगे, आप इन नंबर पर कॉल करिएगा और कॉल करके कस्टमर केयर से आप बोलिएगा कि सर मेरा SBI में अकाउंट है और मुझे अपना CIF नंबर पता करना है, तो कस्टमर केयर वाले आपके लिए आपका CIF नंबर बता देंगे, कुछ डिटेल्स आपसे पूछेंगे वेरीफाई करने के लिए। जैसे ही आपकी डिटेल्स सिस्टम में मैच होती है तो आपका CIF नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। बाकी अगर आप कहीं से भी CIF नंबर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो एक लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि आपको अपनी SBI की होम ब्रांच में जाना चाहिए और वहां पे जाकर के
आप अपना जो पासबुक है उसको प्रिंट करा लीजिएगा, या फिर आप डायरेक्ट ब्रांच वालों से बोलिएगा कि सर मुझे अपना CIF नंबर जानना है, तो वो आपका CIF नंबर आपके लिए बता देंगे। वैसे आप अगर ब्रांच में जाएंगे और आप पासबुक लेने का रिक्वेस्ट डालेंगे तो पासबुक आपको मिलेगी इंस्टेंटली प्रिंट होकर के, उस पासबुक में आपके लिए आपका CIF नंबर भी मिल जाएगा। तो अगर आप किसी भी कारण से अपना CIF नंबर भूल चुके थे या आपको पता नहीं था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन तरीकों से अपना SBI का CIF नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना। आपने किस तरीके से अपना CIF नंबर निकाला हमें कमेंट जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।